अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरह से जुम्मा मुबारक। आप सब दोस्तों का सेकंड व्लॉग में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, मज़े का होगा। आज आपको आप लोगों को थोड़ा सा सफ़र करवाएंगे। तैयारी तकरीबन हो चुकी है, तो थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। और ये अब मैं आपको वहाँ जा के ही बताऊँगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो चलें अल्लाह को याद करके अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले क्लिप में। आखिरकार पिंडी पहुंच ही गए।
थोड़े टाइम की जलालत के बाद हमें गाड़ी तो मिल गई, लेकिन कश्मीर की गाड़ियों की एक बात कि इन्हें कभी सवारियां नहीं मिलती। आज तो आती कर दी कि आज तो गाड़ियां ही नहीं मिल रही, और ये सिर्फ आज़ाद पतन रोड बंद होने की वजह से गाड़ियों की शॉर्टेज हुई हुई है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल भी गई है और चल भी पड़ी है। देखते हैं आगे आगे कि अब कितनी देर तक हमें कश्मीर में पहुंचाते हैं ये ड्राइवर नजर आ रहा है। ये जी हम वक्ती कहीं पे रुके हैं, कोई 10-15 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है खाने छाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ हम रावला कोट की धरती पे पहुंच चुके हैं। और अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं, तो लॉक खोलते हैं। चाबी कहाँ है? वाह 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 रूम की हालत अगर आपको दिखाई जाए, ये हालत आपने देखी हमारे रूम की, कोई हालात नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं हमारे कमरे के। लेकिन खैर अब आ गए तो देखते हैं। तो अभी व्लॉग को करते हैं इधर एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।